राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त पुरंदर दास जी की एक बहुत ही रोचक कथा सुना रहे हैं। पुरंदर दास जी बहुत ही धनी व्यक्ति थे, अपने पिता की अपार संपत्ति के मालिक थे, परंतु हद से ज़्यादा कंजूस थे। उनके जीवन में एक ऐसी विचित्र घटना घटती है जिसके बाद वो अपना सारा धन वैभव संपत्ति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु कहकर दान कर देते हैं। बहुत ही दिल छू लेने वाली घटना है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें। पंडरपुर के पास पुरंदरगढ़ एक नगर है। वहाँ पर प्रताप नायक नामक एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिता की मृत्यु के बाद श्रीनिवास नायक पिता की अपार संपत्ति के स्वामी हुए। वे व्यापार में बड़े ही कुशल थे। विजयनगर और गोलकुंडा के राज्यों से हीरे मोती माणिक आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली थी। धन सबसे बड़ा मादक है। दूसरे सब नशीले द्रव्यों की भांति धन का भी यही स्वभाव है। जितना अधिक मिलता है उसकी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। फलस्वरूप धन की वृद्धि के साथ कंजूसी भी बढ़ती जाती है और उदारता, दया, क्षमा आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। श्रीनिवास नायक जैसे जैसे धन एकत्र करते जा रहे थे, उनकी कृपणता बढ़ती जा रही थी। उनको एक पैसा भी किसी को देना प्राण देने के समान कष्टदायी लगता था। मांगने वाला उन्हें अपना शत्रु दिखाई पड़ता था। किस जीव के पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, यह उसके वर्तमान कर्मों से बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। भगवान की कब किस पर अहेतुक की कृपा होगी, यह भी कोई नहीं जान सकता। श्रीनिवास नायक इस धन के विष में सड़ने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए थे। वे इस नरक के प्राणी नहीं थे। उनको इस कृपणता के कीचड़ से निकालने के लिए स्वयं दयामय प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पर पहुँचे। बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे, मैं अत्यंत कंगाल हूँ, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, आप संपन्न हैं, कृपया मेरी कुछ सहायता करें। श्रीनिवास ने पिंड छुड़ाने के लिए कहा, आज तो मुझे तनिक भी अवकाश नहीं है, आप कल पधारें। श्रीनिवास को क्या पता था वह ब्राह्मण सचमुच कल आ जाएगा, किंतु जब वह दूसरे दिन भी आ गया तो फिर श्रीनिवास ने दोबारा कल आने के लिए कह दिया। ब्राह्मण नित्य आता था और श्रीनिवास सदा उसे कल आने के लिए कहते रहते। इस प्रकार से करते करते 6 महीने बीत गए। इस अद्भुत ब्राह्मण पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अंत में एक दिन रद्दी पैसों से भरी हुई 2 थैलियाँ उसके सामने पटक कर बोले, इनमें से जो तुम्हें पसंद है वह 1 पैसा ले लो और चले जाओ। ब्राह्मण ने थोड़ी देर आश्चर्य से उनकी ओर देखा, थैलियों को बिना छुए ही वहाँ से चला गया। ब्राह्मण देवता श्रीनिवास नायक के घर पहुँच गए। उनकी पत्नी से अपनी दरिद्रता तथा नायक के व्यवहार के बारे में सुनाकर उन्होंने सहायता की याचना की। स्त्री बड़ी उदार स्वभाव की थी, पति के कृपण स्वभाव से उसे दुख होता था, भगवान में उसका विश्वास था, साधु ब्राह्मणों के प्रति हृदय में बड़ी भक्ति थी, परंतु पति देव इतने कंजूस थे कि पत्नी के हाथ में 1 पैसा भी नहीं रहने देते थे। ब्राह्मण देवता को उसने अपने पिता से प्राप्त 1 नथ श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कहकर दे दी। श्रीनिवास नायक ने समझा कि दरिद्र ब्राह्मण से पिंड छूटा, पर वह ब्राह्मण उन्हीं की दुकान पर फिर पहुंच गया और वही नथ देकर 400 मोहरे मांगने लगा। पत्नी का नथ पहचान कर श्रीनिवास को अपनी स्त्री पर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मण ने 6 महीने उन्हें तंग किया था, उसे इतना मूल्यवान नथ देने का कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मण को उन्होंने यह कहकर विदा कर दिया कि इसे मेरे पास रहने दीजिए, कल आपको मैं 100 मोहरे दूंगा। ब्राह्मण के चले जाने पर नथ को तिजोरी में बंद करके सीधे घर पर आ गए और स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारी नथ कहाँ है जिसे तुम सवेरे तक पहने हुए थी? बेचारी स्त्री क्या उत्तर देती, पति के क्रोधी स्वभाव को जानती थी। उसे चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे, अभी लाकर नथ दो,
नहीं तो जीते जी तुझे पृथ्वी में गाड़ दूंगा। अब स्त्री क्या करती, नथ को दान कर चुकी थी, पति से सच्ची बात कह नहीं सकती थी, भय के कारण उसके मुख से निकल गया, नथ तो भीतर रखी है। झटपट भीतर चली गई, आत्महत्या करने के सिवाय उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक कटोरी में विष घोलकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे दया में मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नथ ब्राह्मण को दी थी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति देव को शुद्ध बुद्धि दे दो, वे अब से साधु ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्हें दान दें और तुम्हारा स्मरण करें। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं तुम्हारे शरणों में आ रही हूँ। प्रार्थना करके जैसे ही कटोरी उसने मुख की ओर बढ़ाई, कोई वस्तु टप से उसमें आकर गिर गई। देखा यह तो वही नथ थी। बंद कमरे में जहाँ एक पक्षी तक नहीं पर मार सकता था, वहाँ यह नथ कहाँ से आके गिरी। श्रीनिवास की स्त्री लक्ष्मीबाई के नेत्र भर आए, उसे भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। भूमि पर मस्तक रख के उसने प्रभु को प्रणाम किया। श्रीनिवास नायक जानते थे कि नथ तो वे दुकान की तिजोरी में बंद करके आए हैं, उसकी चाबी भी उनके पास है। स्त्री को डांट फटकार कर अब सोच रहे थे कि सवेरे जब तक ब्राह्मण मोहरे लेने आएगा तब उसे क्या उत्तर देना होगा। इतने में उनकी पत्नी ने नथ लाकर उनके हाथ पर धर दी। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नथ लेकर वे बिना कुछ कहे शीघ्रता से दुकान की ओर गए। वहाँ तिजोरी ठीक बंद मिली, पर खोलने पर देखा कि उसमें तो नथ थी ही नहीं। इस चमत्कार को देखकर सहसा श्रीनिवास के हृदय को धक्का लगा, बुद्धि कुछ की कुछ हो गई। मस्तक झुकाए हुए घर आए, नथ को पत्नी को देते हुए बड़ी गंभीरता से बोले, लक्ष्मी सच सच बताओ कि क्या बात है, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया हूँ। तुमने जिसे नथ दी थी वे ब्राह्मण कौन है, तुम्हें ये फिर कैसे मिली। पति के बदले हुए भाव और कातर स्वर को सुनकर लक्ष्मीबाई ने सारी बातें सच सच उन्हें सुना दी। सब बातें सुनकर श्रीनिवास नायक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे दया में आपने मुझ अधम से दरिद्र ब्राह्मण बनकर याचना की और मैं नीच आपको टालता रहा, मेरे लोभ मेरे पाप पर आपने कुछ ध्यान नहीं दिया और मेरे पत्नी के भी प्राण बचाए। बड़ी देर तक वे जड़ की भांति खड़े खड़े पत्नी की ओर एकटक देखते रह गए। इसके बाद उन्होंने उसी समय स्नान किया, स्त्री के साथ भगवान की पूजा भी की। पूजा के पश्चात हाथ में तुलसी दल तथा जल लेकर अपनी समस्त संपत्ति उन्होंने श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कहकर भगवान के चरणों में चढ़ा दी। श्रीनिवास नायक ने सवेरे होते ही दीनों कंगालों ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन लुटा दिया। अपनी स्त्री के लिए एक कौड़ी भी उन्होंने नहीं रखी। पत्नी ने एक सोने की डिब्बी में सिंदूर रखा था, यह पता लगने पर वह डिब्बिया भी उन्होंने फिकवा दी और सच्चे अपरिग्रही होकर पंडरपुर पहुँचे। वहाँ पर नाम कीर्तन करते हुए द्वार द्वार घूमते रहे, जो कुछ मिल जाता उसी से उनके परिवार का काम चलता था। गरीबी के कारण उनको बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु संग्रह करना इन्होंने सर्वथा छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक पंडरपुर में रहे, जब वहाँ यवनों का उत्पात बढ़ गया तब विजयनगर में चले गए। विजयनगर के नरेश श्री कृष्ण देव राज रत्नों के व्यापारी श्रीनिवास नायक से परिचित थे। उन्होंने श्रीनिवास को इस रूप में देखकर आश्चर्य किया और उनको भी श्रद्धा हो गई। राजा के गुरु थे अति श्रेष्ठ स्वामी व्यासराय जी, श्रीनिवास ने इन्हीं की शरण ली। स्वामी जी ने अपने इस सुयोग्य शिष्य को वेद पुराण स्मृति आदि का अध्ययन कराया और श्रीनिवास नायक का नाम पुरंदर विट्ठल रख दिया। आगे चलकर ये पुरंदर दास जी कहलाए। पुरंदर दास जी इतनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति के स्वामी थे, उनके गुरुदेव व्यासराय स्वामी ने इनकी महिमा का गान किया है। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।